पूछे तुम्हें नहीं मालूम है वृंदावन के लोगों ने तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान किया, तुम्हारा पूजन छोड़ करके और गोवर्धन पहाड़ का पूजन कर रहे हैं। बोलो अपमान नहीं और क्या है। और जैसे ही इतने शब्द सुने हैं इंद्र एकदम से आग बबूला हो गया। जवाब दिया वृंदावन के लोगों की मजाक, जो मेरा पूजन छोड़ करके और गोवर्धन पहाड़ का पूजन, मेघों के राजा को बुला लिया, एक बात कहिए तुम चले जाओ वृंदावन के ऊपर, इतनी घनघोर वर्षा करो वृंदावन बह करके यमुना में चला जाए। और एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें किसी भी जगह पर श्याम और बलराम मिल जाए तो उनके ऊपर बिजली पटक देना। वही हुआ, मेघ जब चले बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, पानी भी बरसने लगा। दिन था रात हो गई, हाथ का हाथ दिखाई नहीं देता। अंधेरा छा गया, वृंदावन के लोगों ने जवाब दिया कि नहीं आइए, तुमने क्या किया, हम सब लोगों ने तुमसे कितना इनकार किया, कितना मना किया, लेकिन तुमने कोई बात नहीं मानी। अब क्या करोगे, अब इंद्र हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। श्याम सुंदर कहते हैं तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो भाई, हमने जिनका पूजन किया है भाई तुम्हारी रक्षा करेंगे। और कन्हैया ने गोवर्धन को एक ही हाथ से उठा लिया, हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली पर धारण कर लिया, एक बात कही वृंदावन के लोगों, बोले आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, तो बोले लो नीचे आएगा गिरपति में मां दिखलाते हैं, ये देखो आप छत्रवत के नीचे हमें जाइए गोवर्धन के नीचे। वृंदावन के जितने भी लोग थे जब गोवर्धन के नीचे पहुंचे हैं, गोवर्धन में भी ये करामात बन गई। क्या गिर इतना ज्यादा गर्म हुआ जो बूंद भी नहीं ठहराती है, हर धार भाप बन जाती है, नभ मंडल उड़ जाती है। गोवर्धन में भी करामात बन गई, जो भी बूंद आती है वो जल जाती है, भाप बन करके उड़ जाती है।
कन्हैया गोवर्धन साधे, बरसात हो रही है। यशोदा मैया बोली, देखो सब लोग बड़े आराम से खड़े हैं, हम आओ कन्हैया अकेले ही गोवर्धन साधे। कहो कि इतनी हिम्मत ना पड़ रही जो गोवर्धन में हाथ लगा ले, और ज्यादा ना तो थोड़ा तो सारो मिली जाए। और जैसी सब लोगों ने सुनी सुखाओ ने मथनिया लगाई, कौन वैसे ही हाथ लगाओ। और दामा कन्हैया के नजदीकी खड़ोरे से मैंने लाठी लगाई, और वो श्याम तक तौर पर बोले, अब तू छोड़ दे, अब तो हम साधे रहे। दामा बड़ी तेजी से लाठी लगाए, माई जगह पे राधा और ललिता। ललिता ने देखी सो एक बात कही, काहे लली राधा? हाँ बोले, हमें तो जो लग रही कन्हैया जो माखन छीन छीन के खाते रहो, बस भाई आज काम में आए। और राधा ने जब इतने शब्द सुने तो श्याम सुंदर की चेहरा की तरफ देख के राधा थोड़ी हंसी। कन्हैया ने जब राधा का हंसत भाव देखो तो श्याम हंसे, और जब श्याम हंसे तब बात कुछ दूसरी बनी गई। कोई बात नहीं, आप बोल लो, कीर्तन बोल लो एक।